नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है त्यागी स्पोर्ट टॉक चैनल पर। जैसा सब आप लोगों को पता है कि एशिया कप काफ़ी नज़दीक आ गया है और हमारा सबसे महामुकाबला पाकिस्तान से लेकर है। जो पाकिस्तान जो अभी फॉर्म में चल रही है, फुल फॉर्म में, हमने कल मैच देखा था उनका अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या शानदार इनिंग खेली। 200 रन पर ढेर होने के बाद पाकिस्तान ने मैच को 1-0 से जीता और कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, वो बहुत बड़ी जीत है। 59 रन पर ऑल आउट कर दी पूरी अफगानिस्तान को। तो हमें पाकिस्तान से 5 चीज़ सीखनी है। मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा भाई क्या 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 सीखना है पाकिस्तान टीम से, जो हमारे लिए बेहतर हो सके, क्योंकि पाकिस्तान टीम काफ़ी तैयारी कर रही है। अगर उसको जवाब देना तो हमें उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी होगी। कल जैसा आप सबको पता है कि हारिस राव का तूफान आया था, चक्रवात आया था, उन्होंने 5 विकेट लिए। 5 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत नसीम शाह, हारिस राव, सानशा अफरीदी, तीनों की एक सबसे बड़ी खासियत कि तीनों फास्ट बॉलर हैं। 150 की रफ्तार से बॉल फेंकते हैं, लाइन लेंथ पे बॉल फेंकते हैं। कहने का मतलब नहीं है कि स्पीड से फेंक दी बॉल, लाइन और लेंथ पर बॉल होना जरूरी है। और जो उनका अग्रेशन है सीधा बॉल्ड करने का या विकेट लेने का, बहुत तेज़ है। तो हमें तीनों बॉलरों से बचकर रहना पड़ेगा। और वहीं उनके सहवाद खान को देख के, इनका जो ऑलराउंडर स्पिनर, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पहले हमें काफ़ी लोगों को तंग चुक कर चुका है, पहले विराट कोहली को भी आउट कर चुका है, तो हमें बचकर रहना पड़ेगा। और रही बात जो बाबर आजम का जो बयान, तो उन्होंने बोला था कि हमारे खिलाड़ी T20 लीग में नेट सेशन पर 10 ओवर करते हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हो और T20 लीग खेल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ अगर लीग खेल रहे हैं तो लीग की तैयारी करेंगे, IPL खेल रहे तो IPL की तैयारी करेंगे, या किसी और मैच खेल रहे तो उसकी तैयारी करेंगे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हमारी टीम पहले से फिक थी, ये टीम एशिया कप खेलेगी और इसी टीम को आगे तक खेलना है, इसलिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तैयारी करी। हमारे जैसे, मैं एक एक बॉलर की बात करता हूँ, हारिस राव, उसका कहना क्या है, वो जब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। हमको पता है कि विराट कोहली ने उसको एक छक्का दिया था सामने, तो बहुत अच्छा शॉट मारा था विराट कोहली। आज भी तक हारिस राव पर कभी आज तक आउट नहीं हुआ, लेकिन अब हारिस राव पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी लाइन लेंथ काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी है। और जो वो पेस फेंकते हैं 150 से लगातार, ऐसे नहीं कि एक बॉल फेंक दिए 150 और बाकी बॉल 140 के लगभग, वो 150 से ऊपर 6 की 6 बॉल फेंकता है और 24 की 24 बॉल फेंकता है। और जो लाइन लेंथ, तो उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन लेंथ है, सीधी यॉर्कर फेंकता है, शॉर्ट बॉल फेंकता है, तो काफ़ी हाई जंप के साथ आती है। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि श्रेयस अय्यर चोट के बाद वापस आ रहे, तो उनकी शॉर्ट बॉल काफ़ी उनको परेशान करेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई आसान काम होगा नहीं, जबकि हम बात करें KL राहुल, तो KL राहुल भी काफ़ी दिन बाद आ रहे, तो उनके लिए भी आसान काम होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी टीम को सुदृढ़ बच के रहना पड़ेगा। ताकत विराट कोहली को भी, हालांकि हारिस राव आउट नहीं कर सका, लेकिन इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान, खासकर बॉलिंग। बैटिंग को तो मैं सीरियस लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी है, अगर हमको 200-250 रन भी बनाने नहीं देगी तो हमसे उनकी प्रैक्टिस करनी है, वैसे की वैसी जो बॉल देनी है, थ्रो बॉल फेंक के प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये कि अब अगर मैं बात करूँ सानशा अफरीदी, उनका तो क्या कहना, हमें पता है कि 2021 वर्ल्ड कप में क्या तूफानी, पहले ओवर में 2 विकेट KL राहुल और रोहित शर्मा को समाप्त कर दिया, तो मुझे बचकर रहना पड़ेगा। और रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो उसका भी पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव को भी बचकर रहना पड़ेगा इनसे। और नसीम शाह की, नसीम शाह वो भी यंग बॉलर, हमने देखा है कि उन्होंने कितनी शानदार बॉलिंग की वर्ल्ड कप और एशिया कप में, जो पिछला एशिया कप वर्ल्ड कप हुआ था, अकेले दम पर पैर में लगने के बाद ही उन्होंने बॉलिंग करके और अपनी टीम के लिए लास्ट टाइम मुकाबला किया, और वो बैटिंग भी कर चुका है। हमें पता था कि एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने 3 छक्के मारे, तो हमारे बॉलर ऐसा नहीं कर पाते जनरली सामान्यतः, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर बैटिंग भी कर लेते हैं। कल आपका मैच देखो, स्कोर कार्ड उठाओगे तो आप बॉलर भी बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। 200 रन पर ऑल आउट करने के बाद अफगानिस्तान टीम को 60 रन पर ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये कि 200 रन नहीं बनाने दिया, और हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हमारी टीम ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग से भाई बच के रहना पड़ेगा। उनके पास सब कुछ है, फास्ट बॉलर है, स्पीड है, लाइन है, लेंथ है। और रही बात, हमारे प्लेयरों को तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर श्रेयस अय्यर और KL राहुल को, और जो सानशा अफरीदी, उससे तो बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्विंग करती है, अंदर आती है उसकी बॉल, और KL राहुल को अंदर हुई बॉल आते ही वो खेल नहीं पाता। चाहे ट्रेंट बोल्ट देख लो, चाहे सानशा अफरीदी देख लो, तो KL राहुल के सामने बहुत बड़ी समस्या है, और वो ओवर बचा के रखेंगे KL राहुल के लिए। तो और यहाँ पर वनडे, तो यहाँ पर काफ़ी मौका, एक खिलाड़ी 10 ओवर करता है। कहने का मतलब पाकिस्तान खिलाड़ी T20 में भी 10 ओवर की प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे बाबर ने कहा था। और बाबर ने कहा था कि मैं 0 पे आउट हूँ, चाहे कितने पे आउट, मेरी टीम जीतनी चाहिए। कहने का मतलब खुद के लिए नहीं खेलना, तो कहने उनसे सीखने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान टीम है कितनी स्ट्रॉन्ग और सुदृढ़ टीम बनी है। इस बार तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि अच्छा करेगी, और हमारी टीम को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा करना पड़ेगा। और जैसा पता है कि विराट कोहली अकेला नहीं मैच नहीं जीता, सारी टीम को अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम मैच जीत पाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारी टीम ये करेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार तो हमारी टीम। लेकिन वहाँ पर हमारे ऐसे ऐसे सलेक्शन हुए जो पहली बार एशिया कप में उतरेंगे सीधे, तिलक वर्मा, KL राहुल 1-2 साल से बाहर, श्रेयस अय्यर 2 साल से बाहर, तो हमें अच्छा खेलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा।
और पाकिस्तान टीम को बचने के लिए हमारे पास ना तो उमरान मलिक है, जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी दिन बाद आ रहा है, श्री सैयद भी काफ़ी दिन बाद आ रहा है, तो हमें अच्छा करना पड़ेगा। जय हिंद।